अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब। जिस तरह पहले आपको कोशिश किया बताने की, ये जिस तरह बीम का सरिया ना, अब ये देखें दरमियान में जो है स्लैब का सरिया, इसको कैसे ले करते हैं, कैसे बिछाते हैं, आज अभी छोटे से क्लिप में कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो सबसे पहले सरिये पे निशान मार्किंग कर लेते हैं। जिस तरह ये देखें हमारे रफीक साहब हैं, बड़े एक्सपीरियंस फोरमैन हैं, तो ये एक सरिये पे चार चार इंच के ये देखें सारे मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें बाद में ये वाइटनर की मदद से या कोई भी आप ले सकते हैं कलर की, स्लैब के ऊपर बाकायदा स्पेसिंग का निशान लगाते हैं। ये देखें पहले सरिये पे लगाया, फिर वो आपको वो चाल बन जाती है ना, काम डिस्टर्ब नहीं होता, स्पीड अच्छी रहती है, जल्दी से लगाते जा रहे हैं, समझा रही। तो ये चार चार इंच की सबसे पहले दोनों तरफ, यानी कि एक्स और वाई दोनों साइड पर, यानी कि इस तरफ भी और मुखालिफ सीमत में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें ये निशान लगाने के बाद इन्होंने क्या करना है, इस सरिये को आगे ले जाना है। ये देखें ठीक है जी, तो इस तरह भी निशान लगा लिए हैं। अब दिखाता हूँ, ये देखें ये इस तरह भी निशान लगा लिए हैं। एक स्पैन में कम अज़ कम तीन, यानी कि स्टार्टिंग वाला बीम के इधर मिड में, हमने तो इधर भी लगाया ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, और एंड पे, तो ये इस तरह मार्किंग कर लेनी है, ठीक है, इधर भी और मुखालिफ सीमत में भी। फिर क्या करना क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त हमारी टीम सरिया लेकर जा रही है बिछाने के लिए, गिराने के लिए, क्या करते हैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सूरत में सरिया रख देते हैं, ये इस तरह, ये इस तरह हमारा जो सील है वो उठा लेना है इसको। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो मार्किंग की है, ये देखें उसके हिसाब से रफली गिरा देते हैं, सरिये को बिछा देते हैं। बाद में जब दूसरी हिम्मत में सरिये रखते हैं तो फिर उनको बाकायदा प्रॉपर स्पेसिंग पे उसको क्या है जी, बाइंडिंग वायर की मदद से प्रॉपर उसकी प्लेस पे, उसकी स्पेसिंग पे उसको फिर टाइट कर देते हैं। कैसे टाइट करते हैं अभी आपको दिखा रहा हूं, लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। इसमें मुखालिफ सीमत में ये देखो, पहले ये स्पेसिंग रखी मेन बार, अब इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार की मदद से एक ये सरिया, एक ये और एक ये तीन करके देखें इनकी प्रॉपर स्पेसिंग जो है बराबर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की आपकी स्पेसिंग जो है प्रॉपर बिल्कुल स्मूथली हो जाएगी। बाद में आप इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार बकायदा से रखेंगे और इसको फाइनल करेंगे, फिर इसके नीचे स्पेसर लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखें बाइंडिंग वायर की मदद से प्रॉपर उनकी स्पेसिंग पे अगर आप देख सकते हैं तो इनको कर देना। अच्छा, इसमें एक और बात देखते हैं, ये जब बीम होता है ना तो बीम के अंदर से जब गुजारते हैं तो ये वाला जो स्लैब का सरिया होता है ना, ये ऊंचा हो जाता है ये, तो इसको जो होती है ना आपकी क्या बारी बारी की मदद से यहाँ से इसको बेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा बेंड करके नीचे कर देते हैं, समझ आ रही है बात। यहाँ से इसको बेंड ज़रूर करते हैं, तो नीचे कंक्रीट कवर एक्स्ट्रा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब बीम में से ये देखें थ्रू गुजारा है सरिया यहाँ से, तो ये बीम आ रहा है तो बीम के अंदर से गुजारा है, तो लिहाजा बीम क्योंकि ऊंचा है यहाँ से ये सरिया ऊंचा हो जाता है, तो इस सरिये को बेंड करके आपने एज साइड पे थोड़ा सा नीचे करना होता है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है प्रॉपर, दूसरी तरफ मुकम्मल हो रहा है सरिया, आपको दिखाता हूँ आए, ये मैं जा रहा हूँ जिस तरह, ये देखें ये ओवरलैप कर रही है, तो चार इंच ये जो आधी इंच का सरिया है इसका जो हमारा कंक्रीट कवर है, तो ये प्रॉपर कंक्रीट कवर दे रहे हैं, अभी रफली रख रहे हैं, बाद में प्रॉपर निशान की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए देखिए बाकायदा इसकी दूसरी तरफ जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बाहर हैं वो भी बन रहे, हमारी टीम के मदद कर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह उधर बीम के अंदर से गुजारा था, इस तरह ये देखिए, ये
ये बन रहा है हमारा, ठीक है। बीन के अंदर इस तरह ये सारी जितनी भी बार थी ये दूसरी सिमत में, पहले हमारी ये बार थी यानी कि इस तरह ये मेन बार है स्पैन, शॉर्ट स्पैन। अब दूसरी तरफ है लॉन्ग स्पैन पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो टॉप पे, दोनों तरफ 4x4 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से बाइंडिंग वायर की मदद से प्रॉपर इसकी टाइटिंग करें, फिर उसके बाद देखें इसको, ये अभी सीधी करनी है, ये बकायदा बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए, ये देखें लाइक दिस, समझ आ रही है। ये आपने देखना है इसमें जो स्पेसिंग है उनको प्रॉपर देखना है। तो दूसरा यहाँ पे बाइंडिंग वायर से जो इसको सारे जो हैं अच्छे से इसको बांधना है, कंक्रीट कवर एज़ पर आपकी ड्राइंग जो भी होगा तादीन सी है तो वो आपने देना है, ठीक है जी। तो सफाई होनी चाहिए जिस तरह ये हमारे पास आपकी जो हमारी अप्लाई है, जो आपकी स्किन का जो सरफेस है वो साफ़ हो, ऑयलिंग की हुई हो, ठीक है जी। यह साफ़ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, यदि कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। ये देखें यहाँ पे साइड वाली जो बार है, साइड वाली जो हमारी साइड है, ये देखिए यहाँ पे हमने ओवरलैप यानी कि ऊपर चढ़ा दिया है अपनी स्पोर्ट के साइड, ठीक है जी। ये हमारी जो साइड है हमने क्या है जी, इसको चिपिंग की है, ठीक है जी, प्रॉपर इसको, ठीक है जी। आपने भी करवाना है हिल्टी की मदद से बकायदा, इसको ये देखें रफ करवा देना, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद तजमल वीवल इंजीनियर, अल्लाह हाफिज़।